नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बात करेंगे मौसम की, तो बिहार झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावना जताई गई है, और इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे एक बार फिर से कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है, और इसका जो मिला जुला असर है वो बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलेगा। अभी बीते दिनों भी झारखंड और बिहार में बारिश की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आया था। हालांकि उसके दो दिन के बाद लोगों को राहत मिली, हल्की धूप खिली और ठंड में थोड़ा सा इजाफा हुआ, और अब पश्चिमी विक्षोभ जब हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और उसका जो असर है कई राज्यों के अलावा झारखंड और बिहार में भी देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले कुछ दिन अगर हम देखें तो ठंड में थोड़ा सा और इजाफा हो सकता है और पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है झारखंड और बिहार में देखने को मिल सकता है। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता गौतम फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, गौतम के पास चलेंगे। गौतम, एक बार फिर से संभावना जताई जा रही है कि झारखंड और बिहार में मौसम बदलेगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र से टकराने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार झारखंड के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में पड़ सकता है और नेपाल के रास्ते शायद इसका असर ज्यादा देखने को मिले, और यही वजह है कि बिहार और झारखंड के पश्चिम बंगाल के सटे राज्यों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और हाल के दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक वज्रपात पाई गई थी वो साफ तौर पर देखने को मिली, और खासकर के उत्तर बिहार और में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। राजधानी पटना भी 48 घंटे तक सहमी हुई रही और कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। बसंत पंचमी के मौके पर नवीन आपने देखा होगा कि हमेशा की तरह जो धूप निकलना या बसंत पंचमी में जो मौसम गुलजार होता था वो भी इस बार नहीं देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो मौसम है और जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता रहा है, और ऐसे में अभी भी मौसम साफ होगा और ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और संभवतः शिवरात्रि तक ऐसी स्थितियां बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं अभी अगर जो लोग सोच रहे हैं कि ठंड चली गई और जो दोपहर के वक्त जो गर्मी लगती है उसकी वजह से आपको कहते हैं ग्रामीण भाषा में अगर कहें तो पिछात ठंडा, मतलब तो जो ठंड शुरू में और अंत में ही लगने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, बाद के समय में वो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, इसलिए बच्चों को बुजुर्गों को खास करके इस मौसम में एहतियातन संभाल के रखने की जरूरत है। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसका असर बिहार झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। नवीन, बिल्कुल, कई जिले हैं झारखंड और बिहार के जो पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय क्षेत्र से टकराने के बाद प्रभावित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।